नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं उबर के बारे में, जो कि एक राइड हेलिंग कंपनी है। आपने उबर का नाम तो जरूर सुना होगा। उबर दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनी है। तो आज हम उबर के फास्ट ग्रोथ और जर्नी के बारे में बात करेंगे। उबर दुनिया का एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप रहा है। उनकी ग्रोथ स्टोरी बहुत ही अमेजिंग रही है, लेकिन ये सक्सेस उबर को ऐसे ही नहीं मिला है। तो आज हम उनकी पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। मिस्टर ट्रैविस कैलनिक और मिस्टर गैरेट कैम्प 2008 में पेरिस में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, और उस टाइम उन दोनों को कोई कैब नहीं मिल पाई। उसी टाइम उनके दिमाग में उबर की आइडिया आई। तो उबर की आइडिया इन दोनों के दिमाग में पेरिस में आई थी। ट्रैविस कैलनिक और गैरेट कैम्प ये दोनों भी सीरियल एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं, यानी इन्होंने इससे पहले भी कुछ कंपनी शुरू की थी। 2007 में मिस्टर कैलनिक ने अपनी कंपनी रेड स्वूश अकामाई टेक्नोलॉजीज को $19 मिलियन में बेची थी। वही 2008-09 के दौरान मिस्टर गैरेट कैम्प स्टम्बल अपॉन के सीईओ थे। तो अपने पेरिस के इस एक्सपीरियंस के बाद मिस्टर गैरेट कैम्प ने उबर के इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत ubercab.com ये डोमेन खरीद लिया, और बाद में उन्होंने मिस्टर ट्रैविस कैलनिक को भी इन्वाइट किया कि वो भी उबर को ज्वाइन करे, जिसके बाद मिस्टर ट्रैविस कैलनिक ने उबर को ज्वाइन किया। तो इस तरह जून 2010 में उबर कैब को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। उबर के इस लॉन्चिंग के टाइम उबर पर बस 3 कैब्स थी। तो उस टाइम उबर दुनिया का पहला ऐसा ऐप था जिसकी मदद से लोग मोबाइल से कैब बुक कर पा रहे थे। उसके बाद उबर का एक्सपांशन लगातार चलता रहा, और वो भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ। मिस्टर रेयन ग्रेव्स अगस्त 2010 तक उबर के सीईओ रहे। उसके बाद मिस्टर ट्रैविस कैलनिक उबर के सीईओ बने, जिसके बाद कंपनी की स्पीड और ज्यादा तेजी से बढ़ गई। अक्टूबर 2010 में उबर ने अपनी पहली बड़ी फंडिंग उठाई। अक्टूबर 2010 में कंपनी ने $1.25 मिलियन की फंडिंग उठाई। अक्टूबर 2010 में ही ubercab.com को सैन फ्रांसिस्को म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की नोटिस आई। सैन फ्रांसिस्को म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को ubercab.com में कैब इस वर्ड से दिक्कत थी, जिसके बाद ubercab.com से कैब ये वर्ड हटाया गया, और उसके बाद कंपनी का नाम उबर बन गया और वेबसाइट का नाम uber.com। उसके बाद 2011 कंपनी के लिए बहुत अच्छा साल रहा। 2011 में कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ भी चलती रही, और उसी साल कंपनी ने और भी फंडिंग उठाई। 2011 की शुरुआत में कंपनी ने $11 मिलियन की फंडिंग उठाई। ये फंडिंग उन्होंने बेंचमार्क कैपिटल और कुछ इन्वेस्टर से उठाई थी। उसके बाद दिसंबर 2011 में कंपनी ने फिर से एक बड़ी फंडिंग उठाई। इस टाइम कंपनी ने $37 मिलियन की फंडिंग उठाई। इस फंडिंग राउंड में गोल्डमैन सैक्स, मेनलो वेंचर्स और अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस भी शामिल थे। यानी मिस्टर जेफ बेजोस ने 2011 में ही उबर में इन्वेस्ट किया था, और आगे चलकर उन्हें उस पर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। और फिर दिसंबर 2011 से ही उबर ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू कर दिया। उबर ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन पेरिस से शुरू किया, जहां से उन्हें उबर की आइडिया आई थी। उसके बाद 2012 में लिफ्ट, जो कि यूएस में उबर का मेन कंपटीटर है, उसने यूएस में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। लिफ्ट भी उबर जैसी राइडलिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। उबर ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन बहुत तेजी से एक्सपांड करना शुरू किया, और अगस्त 2013 तक उबर ने इंडिया में भी एंट्री कर ली थी। 2013 में कंपनी ने एक और राउंड की फंडिंग उठाई। इस बार उन्होंने $258 मिलियन की फंडिंग उठाई, जो कि उन्होंने गूगल वेंचर से उठाई थी। इस फंडिंग राउंड के बाद उबर का वैल्यूएशन $3.76 बिलियन तक चला गया, जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा था। फिर 2014 में कंपनी ने चाइना में भी एंट्री कर ली। उबर ने देखा कि चाइना में कई सारी ऐसी सिटीज हैं जहां पर 50 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, जिसके चलते कंपनी को अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाने में मदद होगी, और इसलिए उन्होंने अपने चाइना बिजनेस में हेविली इन्वेस्ट किया। लेकिन वहां पर डीडी चक्सिंग, जो कि एक राइड हेलिंग कंपनी थी, उसने उबर को बहुत स्ट्रांग कंपटीशन दी। आगे चलकर अगस्त 2016 में उबर और डीडी चक्सिंग मर्ज हो गई। कहा जाता है कि इस मर्जर के पीछे सॉफ्ट बैंक का हाथ था, क्योंकि सॉफ्ट बैंक उबर और डीडी चक्सिंग दोनों में एक बड़ा इन्वेस्टर था। अगर इंडिया की बात की जाए तो ओला इंडिया में उबर को टफ कंपटीशन दे रही है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया में उबर को ग्रैब और गोजेक, इन कंपनी से टफ कंपटीशन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उबर ने बस स्टार्टिंग के आइडिया ही इनोवेट की है, उन्होंने उसके बाद भी कई सारी चीज़ें इनोवेट की है। उन्होंने इंडिया में कैश पेमेंट्स और ऑटो रिक्शास ट्राई की, थाईलैंड में मोटर बाइक्स ट्राई की, और बाद में ये मॉडल्स बाकी कुछ कंट्रीज में भी लाए। साल 2015 तक उबर ने 1 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट कर ली थी। 2015 में ही उबर ने उबर ईट्स, जो कि एक फूड डिलीवरी सर्विस है, उसे भी लॉन्च किया, और धीरे धीरे उसे बाकी कंट्रीज में भी लाना शुरू कर दिया। उबर का जो एक्सपेंशन था वो इसी तरह लगातार चलता रहा, और 2016 में कंपनी ने सऊदी अरेबिया के वेल्थ फंड से $3.5 बिलियन की फंडिंग उठाई थी। उसके बाद कंपनी ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में और ज्यादा हेविली इन्वेस्ट किया। 2017 तक उबर ने 5 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद एक साल में ही, यानी मई 2018 तक, कंपनी ने 10 बिलियन ट्रिप्स कंप्लीट कर ली थी। ऐसा नहीं कि उबर की ये जर्नी बड़ी स्मूथ रही, उबर को अपनी इस जर्नी में काफी सारी दिक्कतें आई। उन्हें टैक्सी ड्राइवर्स के अपोजिशन का सामना करना पड़ा, साथ ही रेगुलेटर के स्ट्रिक्ट एक्शंस का भी सामना करना पड़ा है। 2017 उबर के लिए उतना अच्छा साल नहीं रहा। 2017 में उबर की एक फीमेल एम्प्लॉय ने उबर के कल्चर के खिलाफ एक ब्लॉग लिखा, जो कि आगे चलकर काफी वायरल हुआ, और जिसके चलते उबर के कई सारे एम्प्लॉयज ने रिजाइन भी कर दिया था, और उन्होंने
उन्होंने उबर के कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई थी कि उबर का कल्चर खराब है और उबर में सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कई सारी चीजें भी होती रहती है। इसी बीच मिस्टर ट्रैविस कैलानिक, जो कि तब उबर के सीईओ थे, उनका एक ड्राइवर के साथ का वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें मिस्टर ट्रैविस कैलानिक उबर के एक ड्राइवर के साथ झगड़ते हुए पाए गए। इन सारी चीजों के बाद बेंचमार्क कैपिटल, जो कि उबर का एक बड़ा इन्वेस्टर था, उन्होंने मिस्टर ट्रैविस कैलानिक के खिलाफ मुकदमा चलाया, जिसके बाद मिस्टर ट्रैविस कैलानिक ने उबर से इस्तीफा दे दिया और फिर एक्सीडिया के सीईओ मिस्टर दारा खुसरोवा शाही को उबर का सीईओ बनाया गया। अगर उबर की प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो लगभग हर साल और हर क्वार्टर में उबर ने लॉस ही बुक किया है। 2017 में कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ था, यानी करीब 27,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2018 में भी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हुआ और 2019 के पहले क्वार्टर में कंपनी को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो इन सब चीजों से लगता है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने में अभी काफी सारा टाइम है। बीच में उबर ड्राइवरलेस कार पर काफी ज्यादा फोकस कर रही थी और गूगल और टेस्ला को ड्राइवरलेस कार में काफी अच्छी कंपटीशन भी दे रही थी, लेकिन फिर मार्च 2018 में गूगल की ड्राइवरलेस कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके चलते उबर को अपनी ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग रोकनी पड़ी। उबर की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल रही है। उबर फिलहाल 50 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। अभी कुछ ही महीनों पहले उबर का आईपीओ आया है। आईपीओ से पहले उबर का वैल्यूएशन काफी ज्यादा था, यानी 100 बिलियन के करीब चला गया था, लेकिन आईपीओ के बाद अब फिलहाल उबर का वैल्यूएशन $54 बिलियन है, यानी करीब 380,000 करोड़ है। उबर के आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कई सारे बदलाव आए हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लगभग पूरी तरह से बदल ही दिया है। कई सारे लोग आजकल कार खरीदने के बजाय राइड हेलिंग एप्स का इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं, जिसके चलते कार्स का सेल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये थी उबर की $54 बिलियन तक की जर्नी। उबर को सबसे मेन फायदा इस चीज का हुआ है कि उबर ऐसा पहला प्लेयर था जिसने इस तरह का ऐप लाया था और इस तरह की सर्विस लाई थी। तो जैसे ही वो अलग अलग कंट्रीज में एंटर करने लगे तो उन्हें उस चीज का बेनिफिट मिलने लगा कि उबर वहां पर ऐसी पहली कंपनी थी जिसने इस तरह की कोई सर्विस शुरू की थी। तो ये थी उबर की पूरी जर्नी। फिलहाल अपस्टॉक्स, जो कि मिस्टर रतन टाटा फंडेड डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वो फ्री में डीमैट अकाउंट ऑफर कर रहा है। सो अगर आप डीमैट अकाउंट खोलने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग ऐप की रेटिंग फिलहाल 4.3 है, जो कि पूरी स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, और उनके ब्रोकरेज चार्जेस भी काफी कम है। वो इंट्राडे के लिए 0.01% और 20 रुपीज, इनमें से जो कम है वो चार्ज करते हैं, और डिलीवरी के लिए वो कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं चार्ज करते। आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके उनके साथ डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। साथ ही जिन लोगों ने पहले डीमैट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स में रजिस्टर किया है पर आधार कार्ड रजिस्टर न होने की वजह से आपका अकाउंट अगर नहीं खुल पाया है, तो आप 7827598620 या फिर 9211179432 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड की और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovationz.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।